हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट। एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि आज मैं आपको एक अपडेट देने आई हूँ कि जो आपकी यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी 69,000 की, उसका रिजल्ट आ चुका है। और अगर हम रिजल्ट के आधार पर बात करते हैं कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, तो जो जब ये परीक्षा हुई थी उसमें जो पंजीकृत बच्चे हुए थे वो 431466 बच्चों ने इस परीक्षा में पंजीकृत किया था। सम्मिलित कितने बच्चे हुए थे, तो 409530 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और उत्तीर्ण कितने बच्चे हुए हैं, तो 146060, मतलब 146060 बच्चों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम वर्ग के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की बात करते हैं, तो जनरल जो है वो 36614 बच्चे जनरल के उत्तीर्ण हुए हैं। ओबीसी 84868 बच्चों ने ओबीसी उत्तीर्ण किया है। एससी की अगर हम बात करें तो 24308 बच्चों जो हैं एससी के हैं, और एसटी के 270 बच्चों ने एससी के यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षण की अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, तो डीएलएड 38610 बच्चे डीएलएड के उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा मित्र के 8018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण किए हैं। बीएड के 97368 बच्चे बीएड वाले उत्तीर्ण हुए हैं। और अदर की अगर हम बात करें तो 2064 बच्चे अदर के उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये आपका सहायक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। तो जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो बच्चे नहीं भी उत्तीर्ण हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अब उनको और ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा कंपटीशन है। तो आप फिर से एक बार उठ जाइए और जोर शोर से तैयारी में जुट जाइए। और बाकी हम तो हैं ही आपको रास्ता बताने के लिए, चीजें सिखाने के लिए, बाकी आप मेहनत करते जाइए। तो अब हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा कमर कसने की जरूरत है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।